लेट मत कर तनु, उस निखिल को आजकल बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, कहीं चढ़ के पैसे देने से मना कर दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। जासूसी दिमाग कहता है कि ये भाग भाग कर उसी शख्स से मिलने जा रही है। मिताली भाभी को फोन लगाता हूँ। भाभी जी। भाभी नहीं बेवकूफ, टैंगो। I'm sorry भाभी जी, I mean टैंगो। क्या हुआ चार्ली? टारगेट वन टारगेट टू से मिलने के लिए निकल चुका है और प्लान के मुताबिक चार्ली उनके पीछे जा रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि टैंगो ने अभी पूरी तैयारी कर ली होगी वहाँ पर। हाँ, मैं भी यहाँ पर पहुँच चुकी हूँ। मैं नहीं, अरे टैंगो, टैंगो बोलिए ना। हाँ, टैंगो भी यहाँ पर पहुँच चुकी है। ठीक है, लेकिन देखो तुम टारगेट पर से अपनी नजर नहीं हटाना, उसका पीछा करना। ओके टैंगो, ओवर एंड आउट। इतनी डरावनी सी जगह है। इन लोगों को गलत काम करने के लिए ऐसी गलत जगह क्यों मिलती? माय गॉड, मुझे टॉर्च। चल भी नहीं रही, फंस गई है तो काम तो करना ही है ना तुझे। हाँ, लेकिन तू करेगी क्या? हाँ, पहला स्टेप, इस पूरी जगह का नक्शा ना अपने दिमाग में बिठा ले। बैठ गया। और दूसरा स्टेप, अपने छुपने की जगह ढूंढ के तू कहाँ छिपेगी ताकि उसे तू उस इंसान को देख सके, है ना? हाँ, ये जगह ठीक है। वाह मिताली, ये जगह तेरे छिपने के लिए एकदम परफेक्ट है। यहां से तू उस इंसान की शक्ल आसानी से देख पाएगी। लेकिन वो भी तो तेरी शक्ल देख सकता है ना। ये जगह कैंसर, दूसरी जगह ढूंढती हूँ। ये जगह एकदम परफेक्ट है मिताली। पर उसकी शक्ल तो दिखेगी नहीं तुझे यहां से। ये जगह भी कैंसिल। ये जगह परफेक्ट है मिताली, यहां से तू सब कुछ देख सकती है लेकिन तुझे कोई नहीं देख पाएगा।